नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो आज हमारी तैयारी की तरफ एक दूसरा कदम हम बढ़ाने जा रहे हैं, वो है सोशल स्टडीज़ को लेकर के। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि SST का भी पूरा कोर्स जो है यहाँ पे कवर करवाया जाए, तो वो मैं MCQs के माध्यम से कोशिश कर रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम के शुरू होने से एटलीस्ट 1 महीने पहले इस कोर्स को ख़त्म करा दिया जाए। हालांकि बाकी जनरल पेपर की कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो भी चैनल के ऊपर चल रही है, तो उसको भी आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक अच्छी बात ये है कि क्वालिटी कंटेंट जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आप अभी देख भी पा रहे होंगे, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको जानकारी भी है, और इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है अपडेट्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, और साथ में टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप जो है सारी की सारी जो जानकारी और साथ में PDFs डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में, क्या कुछ खास है आपके लिए। और एक जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं एग्जामिनेशंस कंडक्शन को लेकर के, देखिए पेपर तो होगा ही, इसमें अब आपके लिए ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा कि आप कितनी ज़्यादा अच्छे से तैयारी करके पेपर में बैठेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि इन डिस्ट्रेक्शन में और र्यूमर्स में आप अपना रहता सहता बेहतर क्वालिटी टाइम ना गवा दें, है ना। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, और शुरू करते हैं आज हमारे पास क्या कुछ खास है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 से मैं शुरू करने जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने सेट 1 कंप्लीट करा दिया। सेट 2 में आज मैं बात करूंगी हिस्ट्री के, सोशल साइंस में। तो आप सवाल देख पा रहे हैं, सवाल नंबर 16 में इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था। पोर्ट की बात की है, बंदरगाह की बात की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, IVC जिसके नाम से हम जानते हैं। और यहाँ से आपको जो है साइड से सवाल देखने को मिलेंगे, जिसमें से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, धोलावीरा ज्यादा जरूरी है, कालीबंग और लोथल। राखीगढ़ी से कम ही सवाल पूछते हैं, ये पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ पर लोकेटेड है। धोलावीरा, लोथल और कालीबंगा के फीचर्स को लेकर के सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो प्रीस्ट की आपको जो स्टैच्यू नजर आ रही है, और ये जो डांसिंग गर्ल की जो स्टैच्यू नजर आ रही है, हिस्ट्री वालों को बहुत कॉमन, मुझे लगता है कि SST वाले भी जो बच्चे हिस्ट्री पढ़े होंगे उनके लिए भी काफी कॉमन है, जो कि आप यहाँ पर चीजों को देख पाएंगे, और काफी हद तक यहाँ से सवाल आपसे पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो कालीबंगा, लोथल है, राखीगढ़ी या धोलावीरा है। तो अगर राइट ऑप्शन की बात करें, तो आगे चलने से पहले चीज मैं बता दूं कि जिन बच्चों को इसका PDF चाहिए, ये है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, ठीक है, t.mi/beatthecompetition। यहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली PDF डाउनलोड कर पाएंगे, और यहाँ से जाकर के आप YouTube पे बाकी चीजों को लेकर के क्लासेस को फॉलो कर पाएंगे। तो लोथल इसका सही जवाब है ना। एक्सप्लेनेशन में अगर आप ध्यान देंगे तो लोथल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। जो लोकेटेड कहाँ है, भल रीजन में है, मॉडरेट स्टेट कहाँ है, गुजरात का। तो लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है, और डेटिंग फ्रॉम 3700 BC। पोर्ट सिटी था, इतना याद रखिएगा, ये 37 BC वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, गुजरात में है लोथल, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये आप मैप स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे, ये जो मैप आपको नजर आ रहा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की जब आप बात करते हैं तो उसको यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 फेजेस में बांटा गया है। एक है प्री, एक है अर्ली, एक है यहाँ पर मेच्योर, एक है जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, विनाश हो गया, तो उसका भी बात की यहाँ पर की जा रही है। तो ये मेच्योर हरप्पन थर्ड फेज का ये मैप है। लोथल की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका, ये रहा, ठीक है। और ये कहाँ का है, मैंने कहा कि गुजरात में है, और ये वेस्टर्न पार्ट है आपका, ठीक है। ये कौन सा है, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये साउथ वाला पार्ट है, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन इसको बोला जाता है, उत्तर पश्चिम रीजन। ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये है आपका गंगा के मैदान, ये वाला पूरा जो है ये लोअर गंगटिक रीजन के नाम से जाना जाता है। ओके, अच्छा, इस मैप में आपके लिए इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं, क्योंकि सारी साइट्स को तो आप कवर नहीं कर पाएंगे, तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपके लिए यहाँ पर धोलावीरा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, लोथल जरूरी है, इसके अलावा हड़प्पा तो है ही जरूरी, कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदाड़ो जरूरी है, ठीक है, चाहुंदड़ो इम्पोर्टेंट है। तो ये 3-4 साइट्स है जहां से कि सवाल हमेशा बना करके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब पोर्ट एरिया क्यों कह रहे हैं लोथल को,
पोर्ट एरिया का मतलब होता है जो आप नदी के द्वारा ट्रेड करते हैं, रिवर्स के द्वारा या फिर सी रूट के थ्रू जो ट्रेड किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग पोर्ट एरिया, या फिर बंदरगाह बोला जाता है। यहाँ पर लोथल में काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में एग्रीकल्चर किया जाता था, तो एग्रीकल्चर करने के साथ साथ जितना भी ज़्यादा यहाँ पर ग्रेन होता था, जैसे गेहूं की बात करें, जौ की बात करें, अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप सारा उगा करके अगर 1 टन यहाँ पर गेहूं उगाएंगे तो सारा केले खा जाएंगे, आप ट्रेड भी करेंगे, जिसके एविडेंसेस हमें मेसोपोटामिया इजिप्ट से भी मिले हैं। तो यहाँ से जब आप निकलेंगे, ठीक है, यहाँ से जब आप निकलेंगे तो यहाँ पर आप पूरे के पूरे जहाज़ों के द्वारा यहाँ पर माल को अपने जहाज़ों पर लोड करते थे और ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता था अलग अलग जगहों पर, ठीक है। इसलिए लोथल हमेशा से ही, इसके अलावा अगर सुतकोडदा की बात करें, रण ऑफ कच्छ की बात करें, बालाकोट की बात करें, ठीक है, सुतकांगेडोर की बात करें, जितने भी आपको नदी के माफ कीजिएगा सी रूट्स के थ्रू समुद्र के आसपास जितने भी आपको रीजंस नजर आ रहे हैं, ये सारे ही ट्रेडिंग कल्चर के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे। सबसे ज्यादा ट्रेड यहाँ से किया ही जाता था, है ना। इस तरह बे ऑफ बंगाल हो गया आपका, यहाँ पर अरेबियन सी हो गया, तो आप मान करके चलिए कि ट्रेड करना हमारे लिए काफी ज्यादा जो है एक सुखद कार्य हो गया था। यहाँ से ध्यान रखिएगा, कालीबंगा में जो है सबसे पहले हमें यज्ञ की वेदियां मिली हैं, ठीक है, और साथ में हमें हल चलाने की सबसे ज्यादा सबसे पहला एविडेंस मिला है, और लकड़ी का हल भी मिला है, ये ध्यान में रखिएगा। और कालीबंगा इसलिए इसको बोला जाता है, राजस्थान में है, ठीक है, क्या मैं ठीक हूँ? कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है कि हरियाणा में है, एक बार कॉमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बंगा इज बेसिकली जो है चूड़ियों की बात की जाती है, काली चूड़ियाँ इसका पूरा नाम है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जली हुई जो है चूड़ियाँ मिलने का एविडेंस भी मिला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राखीगढ़ी कहाँ पर लोकेटेड है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धोलावीरा की अगर मैं बात करूँ तो धोलावीरा में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेहतर माना जाता है वो है आपकी जल निकास प्रणाली, ठीक है। ये पेपर में सवाल बहुत बार आया भी है, तो अगर आपसे पूछे कि कहाँ की जल निकास प्रणाली सबसे बेहतर है तो कहाँ की है, धोलावीरा की है और हड़प्पा की है, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा, जो कि काफी जरूरी है, सबसे बेहतर मानी जाती है। मैप मैंने दिखाई दिया आपको, अच्छा ये जो इमेज मैंने दिखाई है आपको अभी अभी, ये डांसिंग गर्ल वाली, एक बार कॉमेंट करके बताइए कि ये कहाँ पर किस साइट की खुदाई में मिली है, हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, चाहुंदड़ो से, कहाँ से मिली है, और इन प्रिस्ट के बारे में भी बताइएगा कॉमेंट करके। चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंड बाय, कह रहे हैं कि सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना के द्वारा की गई है, पतंजलि के माध्यम से, कपिला या कपिल के माध्यम से, कुमारिला या फिर गौतम के माध्यम से, ठीक है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको बताना। एक फिलोसफी थी तो उसमें जो है जीवन को जीने का अलग तरीके से परिचय दिया गया है, तो पतंजलि ने ये संप्रदाय की स्थापना की थी, कपिल ने की थी, कुमारिला ने की थी, या फिर कुमरिला या कुमारिला ने की थी, या गौतम ने की थी। देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कपिल ने की थी, कपिल मुनि ने, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कमेंट करके बताइए कि पतंजलि ने एक बड़ी फेमस किताब लिखी है, ठीक है, आजकल का पतंजलि जो चल रहा है उससे ही जुड़ा हुआ है कुछ ना कुछ आपका, ठीक है, उसका नाम क्या था किताब का, और गौतम ऋषि ने यहाँ पर कौन सी किताब लिखी है, ये सवाल पूछ लेते हैं एग्जाम में आपसे एक बार। तो कपिल ने यहाँ पर लिखा है सांख्य स्कूल को लेकर के, कहते हैं कि कपिल इस ट्रेडिशनली जो है कि फाउंड किया था उन्होंने, सांख्य स्कूल की स्थापना की थी। देखिए आपको समस्या हो सकती है कि एक्सप्लेनेशन आपको केवल इंग्लिश में दिया गया है, लेकिन मैंने इतने साधारण तौर से आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको समस्या यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। सांख्य जो है सबसे पुराना यहाँ पर ओल्डेस्ट स्कूल माना जाता है, ठीक है, और ऑर्थोडॉक्स फिलोसफिकल सिस्टम के ऊपर ये बना हुआ है, हिंदुज्म के यानी रूढ़िवादिता के ऊपर, जिसको अष्टिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसका सांख्य का मतलब होता है न्यूमरेशन। सांख्य क्या है, जब अधिक संख्याओं की हम बात करते हैं जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, जो जिसको आप माप नहीं सकते, बिल्कुल वैसे ही। सवाल नंबर 18 को देखते हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर, कह रहे हैं कि कश्मीर के राजा के बारे में कि विस्तृत विवरण देता है किसका, राजतरंगिणी का, या फिर यहाँ पर दीपवंश का, विनयपीठ का, कथासरित सागर का,
ठीक है, ये सारे के सारे ही जितने लिटरेचर्स मेंशन किए हैं, किताबें बुक्स सारे ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन वैसे राजतरंगिणी है, दिस इज द राइट ऑप्शन। राजतरंगिणी एक ऐसी सबसे पहली किताब बनी जो जो कि हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में तो बताती है ना। ये तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी किताबें हमें अलग अलग इतिहास के बारे में बताती रही हैं। लेकिन इसमें खास बात ये थी कि सबसे पहली ऐसी किताब थी जो कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में क्रमवार लिखी गई, डेट्स के मुताबिक। ये नहीं है कि कभी आपने उठा करके राजे के बारे में लिख दिया, फिर राजा के बारे में, फिर शासक के बारे में, नहीं। अगर यहाँ पर एक से शुरू किया गया, दो से लिखा गया, तीन चार पाँच इस तरीके से चैप्टर्स को मेंशन किया गया, तो ये सबसे पहली किताब थी जो क्रमवार लिखी गई। ठीक है, अब विनय पिटक की बात करें तो मुझे कमेंट करके बताइए कि विनय पिटक किससे जुड़ा हुआ है और ये क्या बताता है। कथा सरित सागर एक बहुत ही जो है अच्छी कह सकते हैं, बहुत ही फेमस किताब है, लिटरेचर है। कमेंट करके बताइए कि किसके द्वारा लिखा गया है। आप देख पा रहे होंगे राजतरंगिणी इज अ मेट्रिकल लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, जिसकी मैंने अभी भी बात की। ऐतिहासिक क्रमवार तरीके से लिखा गया है, ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। जब आप इसको देखेंगे, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो किसकी बात कर रहा है ये? नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है ना, इसकी बात कर रहा है। कश्मीर कहाँ लोकेटेड है? यहाँ पर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट का इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, पर्टिकुलरली द किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में लिखा गया है, और संस्कृत में लिखा गया, कलहण ने लिखी है और 12वीं शताब्दी में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 19वां क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है। ठीक है, यानी कि गलत तरीके से मैच कर रखा है, सुमेलित नहीं है आपस में। सामवेद नॉलेज के बारे में बताता है, ऋग्वेद हाइम्स के बारे में, मंत्रों के बारे में बताता है, ज्ञान के बारे में, या अथर्ववेद हमें यहाँ पर वेद और या फिर नॉलेज देता है, मैजिकल फॉर्मूलास के बारे में, जादू टोने के बारे में, यजुर्वेद हमें बताता है यहाँ पर किसके बारे में, सूत्रों के ज्ञान के बारे में। तो जब आप जो हमारे वेद हैं उनको देखते हैं, तो वेदों को हमने चार भागों में बांटा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। तो सबसे पुराना वाला कौन सा है? ऋग्वेद, जो अर्ली वैदिक एज में लिखा गया था, और उसके सबसे आखिर में लिखे गए थे ये हमारे बाकी के तीन वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों लिखे, माफ कीजिएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द थ्री लिखे गए थे, ये सबसे पुराना वाला है। तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हमें क्या बताता है, ये आपको पता होना। ऋग्वेद तो हमें मंत्रों के बारे में बताता है ना, जो वहां पर मंत्र लिखे गए हैं। यजुर्वेद हमें उन मंत्रों का प्रयोग करने के बारे में बताता है। साम से हमारा जो है सारे गामा पास याद रखिएगा, म्यूजिक के बारे में बताता है ना। जैसे कि सामवेद का मतलब क्या है कि आपने बहुत हद तक ध्यान दिया होगा कि आजकल आजकल क्या बहुत पुराना ट्रेडिशन रहा है हिंदुस्तान का, कि हम हर एक जो है मौके पर गीत संगीत का प्रयोग करते हैं। वो कई बार मायूस करने वाला होता है, कई बार खुशी देने वाला होता है। ठीक है, विवाह से लेकर के बच्चे के जन्म होने तक, और उसके बाद उसके बड़े होने तक, जन्मदिन तक, विवाह पर, और उसके बाद उसके मृत्यु हो जाने के बाद तक, अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरह का संगीत यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ये ए है ना, ये वाला। सामवेद हमें नॉलेज देता है साइंस के बारे में, जैसे कि बेसिक वैदिक टेक्स्ट आर संहिता, कलेक्शन ऑफ फोर वेदास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद हमें बताता है नॉलेज ऑफ हाइम्स, मंत्रों के बारे में। सामवेद देता है किसके बारे में? चैंटिंग, कि ये जो मंत्र है उसको आप किस तरीके से उसका जपेंगे भी, तो मंत्रों को, तो उसके लिए म्यूजिक की आवश्यकता होगी, वो कहाँ से मिलेगा? सामवेद से। यजुर्वेद हमें बताता है सेक्रीफाइशियल फॉर्मूले के बारे में, है ना, कि कई बार आपको कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो है सेक्रीफिशियल फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे अश्वमेध यज्ञ की बात करें, ठीक है, जानवरों की बलि देना, गाय की बलि देना, ये भी प्राचीन काल में होता रहा है। अब आपने ये सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन आपका काम नहीं बन रहा है, तो कैसे करेंगे? अथर्ववेद के माध्यम से, जब आप जादू टोने की बात करेंगे, जो हम बात करते हैं ना सुपर नेचुरल पावर्स मैजिक्स की, वो बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है ना, जो ग्रुप ऑफ प्रीस्ट करते थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अथर्ववेद में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि सभा और समिति दो टर्म्स हैं, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करूंगी, अभी इसका नीड नहीं है इतना आपको जानने का। सभा और समिति याद रखिएगा, दो ऐसी टर्म्स हैं जो कि यूज की गई हैं अथर्ववेद में,
ठीक है, जिनको कि क्या कहा गया है, प्रजापति की दो पुत्रियों के, टू डॉटर्स एज लाइक माना गया है, समझा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, कौटिल्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त कह लीजिए, चाणक्य कह लीजिए, तीनों नाम एक ही हैं। ये कहते हैं कि एंशियंट इंडिया की जो ट्रीटीज हुई थी स्टेट क्राफ्ट को लेकर के, शासनकाल, आर्थिक नीति या सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय आलेख जो संस्कृत में लिखी गई थी, ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखी गई है, उसको कौटिल्य का लेखक माना जाता है ना। ये कह रहे हैं कि क्या लिखा था, ऋग्वेद लिखा था कौटिल्य ने, पुराण लिखा था, चरक संहिता लिखा था, या यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र लिखा था। तो जाहिर सी बात है कि डी ऑप्शन सही है, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जो चाणक्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त कह लीजिए। अर्थशास्त्र में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, है ना, राज्य राज राजा राजपाट कैसे चलाएगा। ऋग्वेद हमें यहाँ पर क्या बताता है, सबसे पुराना ग्रंथ है हमारा, जो हमें हाइम्स मंत्रों मंत्र लिखे हुए हैं जिसका उपयोग करना बताया गया है। ठीक है, पुराण हमारे दो ही हैं, ठीक है, अगर एपिक की बात करते हैं रामायण है, महाभारत है। चरक संहिता की जो हम बात करते हैं, तो चरक संहिता फिजिशियंस को बोला जाता है रहा है, चरक संहिता किताब का नाम है, चरक ने लिखा था, जिसमें कि उन्होंने व्यक्ति के जो है बॉडी के बारे में, उसके फिजिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, कैसे वो काम करते हैं और कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, उसके बारे में मेंशन किया गया था। तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र इज एन एंशियंट इंडियन टेरिटरीज ऑन स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और यहाँ पर कौटिल्य जो है उनको विष्णुगुप्त के नाम से और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में एक ऐसे स्कॉलर हुए जिन्होंने कि तक्षशिला में भी पढ़ाई लिखाई की थी, और जो टीचर थे इनके गार्जियन, है ना। और किसको माना इन्होंने, मतलब कि चंद्रगुप्त, माफ की, चंद्रगुप्त जो थे वो शिष्य किसके थे, यहाँ पर चाणक्य के थे। और आप सबको पता है कि नंद वंश का, नंद डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करके उसके बाद चंद्रगुप्त को यहाँ पर जो है राजगद्दी सौंपी गई, और उन्होंने राजपाट लंबे समय तक चलाया। हालांकि बाद में चंद्रगुप्त ने यहाँ पर जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, और वो कर्नाटक चले गए थे। सवाल नंबर 21 आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिच कहाँ पर मिले हैं, भारत में शुतुरमुर्ग कहाँ पाए जाते हैं, पेरिलिथिक पीरियड में, नियोलिथिक में, मिजोलिथिक में, मेगालिथिक में। तो एंशियंट इंडिया के जब शुरुआती आप टाइम पीरियड को समझते हैं, तो टाइम पीरियड को हमने कुल मिलाकर के यहाँ पर तीन भागों में बांटने की कोशिश की है ना। एक पैलोलिथिक है, एक यहाँ पर मेजोलिथिक है, तीसरा नियोलिथिक है। आगे भी हमने तीन तीन भागों में बांटा है, अपर लोअर और सबसे मिडल वाला, फिर अपर लोअर मिडल, अपर लोअर मिडल। तो पैलोलिथिक क्या है, जहाँ सबसे पुराना उससे थोड़ा सा कम पुराना, मेजोलिथिक है उससे थोड़ा सा नया कह सकते हैं कि नियोलिथिक है, नवपाषाण काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। मेगालिथिक जो है महापाषाण काल के नाम से जाना जाता है, जहां पर बड़े बड़े पत्थरों के बनाए हुए गर्त निवास पाए गए हैं। तो पैलोलिथिक पीरियड बिल्कुल सही हो जाएगा, जहां पर शुतुरमुर्ग के बारे में, ऑस्ट्रिच के बारे में जानकारी हमें मिलती है। और कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो है क्वांटिटीज में ऑस्ट्रिच के एग के जो शेल्स होते हैं वो पाए गए हैं। कहाँ, यहाँ पर फाउंड एट पटने इन महाराष्ट्र, पटने एक जगह का नाम है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो वहां पर जो है कि ये सारी चीजें पाई गई हैं। डिजाइन वर एनग्रेव्ड ऑन सम पीसेस, ठीक है, वाइल बीड्स वर आल्सो मेड आउट ऑफ देम। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी जो तस्वीरें उकेरी गई हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो महाराष्ट्र पटने में इसके जो बहुत बड़ी बड़ी जो क्वांटिटीज हैं वो वहां पर मिली है ऑस्ट्रिच के, पैलोलिथिक पीरियड में। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्कोलॉजिकल साइट इनाम गांव के बारे में बात करेंगे, कह रहे हैं कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर बात करें इनाम गांव की, ये जो मैप इंडिया का आप देख पा रहे हैं मेरे बिल्कुल पीछे, ये आपका नॉर्थ वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा आपका नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, ये आपका अपर गंगा का रीजन, जिसे आप गंगा यमुना के नाम से जानते हैं, जहाँ दिल्ली है, ठीक है। ये जो रीजन है आपका एक गैंगटिक, लोअर गैंगटिक रीजन है, निम्न गंगा का जो रीजन है वो ध्यान में रखेंगे। ये आपका ईस्ट वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ये आ गया आपका वेस्ट, जहाँ हमने अभी भी लोथल के बारे में डिस्कस किया था ना, आपको ध्यान में होगा, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये वेस्टर्न वेस्टर्न घाट्स का नाम से भी इसको जाना जाता है,
और यहाँ से दोनों तरफ से ट्रेड काफी ज्यादा की जाती थी, अरेबियन सी और रेड सी से। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कह रहे हैं इनामगांव के बाद कि नर्मदा महानदी गंगा कावेरी को आप देख ही पा रहे, तो इनामगांव कहाँ है? इनामगांव का लोकेशन हम कर्नाटक तो यहाँ है नहीं, उत्तर प्रदेश में हो नहीं सकता, गुजरात है नहीं, तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र विल बी द राइट ऑप्शन। एक बार देख लेते हैं पहले। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। कह रहे हैं कि इनामगांव, आप इमेजेस भी देख पाएंगे, इनामगांव क्या है? पोस्ट हरप्पन एग्रेरियन विलेज है। ठीक है, जहां पर पोस्ट हरप्पन, मैंने कहा ना कि हरप्पा को हमने चार फेजेस में बांटा है, एक अर्ली है, दूसरा प्री है, फिर मैच्योर है, फिर डिक्लाइन है। तो पोस्ट हरप्पन पीरियड के बाद, मतलब जब डिक्लाइन हो गया उसका, खत्म हो गया, निष्कासन हो गया, उसके बाद आर्कोलॉजिकल साइट यहाँ पर लोकेटेड मानी जाती हैं, जहाँ पर एग्रेरियन विलेजेस का, यहाँ पर खेती बाड़ी जो गांव थे उनके अवशेष मिले हैं, जो कि यहाँ पर बैंक ऑफ गोड रिवर के पास बसी हुई है, और यहाँ पर रीजनल सेंटर भीमा वैली के आसपास इसको बसाया गया है। इमेजेस आप देख पाएंगे, ये जो आपको नजर आ रही है इमेज स्क्रीन के ऊपर, ये कुछ एविडेंसेस वहां से मिले हैं लोगों को, लोगों के, है ना। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्केलेटन है आपको मिला है, इन स्केलेटन में बीड्स हैं, कुछ आपको बर्तन नजर आ रहे होंगे, कुछ चूड़ियां भी नजर आ रही हैं। ठीक है, बोन्स तो है ही यहाँ पर, यानी कुछ ऐसे सामान है जो उनके डेली बेसिस पर काम में आते थे। तो ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति के मरने के बाद जब उसका दूसरा जन्म होता है तो वहां पर भी उसको उस चीज की आवश्यकता रहती होगी, ऐसा उनका एक रिचुअल था जो मानते थे। दफनाने के टाइम पे सारा सामान उनके साथ रखा जाता था। ये रहा आपका इनामगांव। ठीक है, गोड रिवर के पास है ये। ठीक है, और भीमा वैली है ये, भीमा वैली के नाम से जाना जाता है। उसंगी भी इम्पोर्टेंट है कर्नाटक के, कर्नाटक के आसपास जो है। ये आपका अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये मुंबई महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे अभी अभी, यहाँ पर आपका गुजरात जो आपको ध्यान में रखना है, सुतकोड़दा, और साथ में हम लोथल की जो हम बात करते हैं, तो अरेबियन सी से ही ट्रेड किया जाता है। ये बे ऑफ बंगाल से होते हुए अरेबियन सी से ट्रेड करके निकल जाते थे मेसोपोटामिया, इजिप्ट होते हुए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चिरांद बिहार में है, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है बोन्स, हड्डियाँ पाई गई हैं। ओके, कोल्डी वहाँ महाग्रा इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका पैलेलिथिक का, यानी पुरापाषाण काल का एक ऐसा साइट है जहाँ पर सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट जिसे कहते हैं हम, जो है कि आदि मानव के द्वारा बनाई गई पिक्चर्स पाई गई हैं। मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, खेती बाड़ी के सबसे पहले एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, प्री हरप्पन फेस का ये पार्ट है। बुरजोहम कश्मीर में है, जहाँ पर ये नीलिथिक साइट है, नवपाषाण काल का साइट है, जहाँ पर सबसे ज्यादा आपको गर्त निवास में, यानी कि मिट्टी के गड्ढे या बर्फ के गड्ढे बना करके लोग उसके अंदर रहा करते थे, तो उसका एविडेंस यहाँ पर मिला है। ठीक है, और एक और भी चीज यहाँ पर मिली है कि कब्रों में जो लोग दफनाए जाते थे तो कपल दफनाए जाते थे। ठीक है, यानी कि महिला भी और साथ में पुरुष भी। आगे चलते हैं, 23rd क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगेन आईवीसी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो ये क्या ये पूछना चाहते हैं, ये सवाल देख लेते हैं। कह रहे हैं कि डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है, किसको? भिरडाना को, मोहनजोदारो को, राखीगढ़ी को, या अलहिदीनों को? सबसे पुराना ओल्डेस्ट वाला पूछ रहे हैं, तो ओल्डेस्ट वाला क्या हो सकता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोजीशन को जब आप देखेंगे तो एक चीज बड़ी कॉमन नजर आएगी कि नदियों के किनारे काफी हद तक घिरा हुआ है। तो भिरडाना जो है यहाँ पर, या भिरडाना जो भी है, इसको सबसे ज्यादा जो पुरानी खोज के तौर पर माना जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कहता है कि भाई इसको जो है ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का माना जाता है, जो स्ट्रेच हमें कहाँ तक करता है, बैक टू प्री हरप्पन टाइम्स तक। हड़प्पा का क्या है, मैंने कहा कि चार फेजेस में बांटा है, एक अर्ली वाला है, प्री है, फिर मैच्योर, फिर डिक्लाइन, खत्म हो गया, है ना। जैसे भाई हर एक चीज का क्या होता है, एक उत्कर्ष होता है, फिर उसके बाद डिक्लाइन होता है। जैसे ह्यूमन बींग का लाइफ क्या है, पहले हमारा क्या होता है, हम छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, फिर हम यंग होते हैं, फिर हम एजड होते हैं, फिर हम जो है ओल्ड होते हैं, फिर हमारी डेथ हो जाती है। इट मीन्स कि हर जो चीज इस संसार में उसको खत्म तो होना ही है ना। तो वैसे सिविलाइजेशन भी बनी आईवीसी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो कहते हैं कि यहाँ तक की जो जानकारी हमें मिलती है भिरदाना से मिलती है, कि इसी के द्वारा सबसे पहले हम प्री हरप्पन फेज के बारे में जानकारी जान ले पाए। ये सील बड़ी इंपॉर्टेंट है जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है, ये राइनो की इमेज नजर आ रही होगी आपको। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि
हिंदुस्तान में जो हम अभी बात करते हैं, जो नेशनल पार्क हमारे बने हैं, वन हॉर्न राइनो कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज्यादा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो आपको नजर आ रही है ना सारी, ये जो पिक्टोग्राफी बोला जाता है, पिक्टोग्राफी ऐसी है कोई एक ऐसी अक्षर जो उकेरे जाते हैं पिक्चर्स के माध्यम से, इसको हम पढ़ नहीं पाए अभी तक, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, अभी तक भी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ये आप देखिए बिरधाना की इमेज जो नजर आ रही है आपको, ये वर्तमान के प्रेजेंट साइट के बिरधाना हिसार की बात की जा रही है, 2023 की इमेज है। ठीक है, 2023 मार्च की इमेज है, माफ कीजिए अप्रैल की इमेज है, 2:33 पर खींची गई है। ये डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा होगा आपको, अगर क्लैरिटी होगी तो। ठीक है, तो इसी के माध्यम से आप देखिए कि यहाँ से हमने खुदाई की और हम पाकिस्तान में जाकर के जो है 3,000 साल की सभ्यता अब तक जान चुके हैं। सवाल नंबर 24, एक सुंदर पिक्चर स्क्रीन के ऊपर है, कह रहे हैं कि विच इज द फॉलोइंग एज एन एंशियंट राइट रिटन बाय बाणभट्ट, निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, सवाल पूछा जाता है बहुत बार। कादम्बरी, मृच्छकटिकम, मेघदूत या गीत गोविंद। तो गीत गोविंद तो लिखी है जयदेव ने, मेघदूत लिखा है कालिदास ने गुप्ता एज में, मृच्छकटिकम किसने लिखी है कमेंट करके बताइए आप लोग, बस्ती क्या है यहाँ पर। कादम्बरी, ठीक है, तो कादम्बरी यहाँ पर लिखी है बाणभट्ट ने। बाणभट्ट जो है वो हर्ष के, ठीक है, जो आपके गुप्ता एज के बाद हर्ष आते हैं, ठीक है, हर्ष के यहाँ पर कोर्ट पोइट थे, यानी दरबार में रहने वाले कवि थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हर्ष जो है खुद जो राजा रहे, उन्होंने भी दो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीजें लिखी, एक तो स्वयं की बायोग्राफी लिखी हर्ष चरित्र, और नागनंदा स्वयं लिखी है उन्होंने संस्कृत में। कादम्बरी इज अ रोमांटिक नॉवल इन संस्कृत, ठीक है। बाणभट्ट फर्स्ट हाफ 7th सेंचुरी की तो बात हो रही है ना, और सरवाइव भी कर पाए इस कंप्लीशन में, और नॉवल कंप्लीट किया यहाँ पर बाणभट्ट के सन ने, उन्होंने लिखी शुरू की कंप्लीशन भूषण भट्ट ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और बाणभट्ट उनके पिता थे। कादम्बरी कथा सागर, ये जो इमेज नजर आ रही है ये तो मैंने वर्तमान की लगा रखी है, तो ये भी आप देख पा रहे होंगे एक इमेज फॉर्मेट के तौर पर। 25वां सवाल देख लेते, कहने कि मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सरस्वती, रावी, घग्घर और सिंधु। इंडस वैली सिविलाइजेशन, तुमने सुना है ये नाम, तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, सिंधु। एक इमेज मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, एक मिनट, जो शुरू में हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था ना अभी अभी, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, सी ऑल द स्लाइड्स में, ये इमेज देखिए, हमने क्या कहा था, मोहनजोदाड़ो है ना, ये क्या है, रिवर कौन से, इंडस, ये बट गई, चापू वाला घग्घर पे है, सतलज पे, कालीबंगा, हड़प्पा, रावी पे है, ब्यास पे रोपड़ है, जेलम, चिनाब, रावी। ठीक है, पंच, पंजाब के नाम से जाना जाता है, पंच दोआब, पांच नदियां जो आपस में मिलती हैं, ठीक है, पंच दोआब, जेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ठीक है, अब ये बट गई है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो अब तो ये पुराना मैप है आपका, अभी जो प्रेजेंट वाला मैप है इसमें अभी इतना ही हिस्सा आता है हमारा यहाँ तक का। ठीक है जी, चलिए चलते हैं, कहाँ थे हम लोग आ गए थे यहाँ पर, सिंधु विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, सिंधु कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन, मोहनजोदारो ग्रुप ऑफ माउंट्स रिम्स, मुर्दों के टीलों के नाम से जाना जाता है, राइट बैक ऑफ द इंडस वैली, नदरन सिंध प्रोविंस, सदरन पाकिस्तान। इमेज प्रीस्ट की है, और ये जो सिक्के उस वक्त हमें पंच मार्क्ड कॉइन्स आते थे ना तब, मतलब कि सील जो पैक करते थे वो लोग, मान लो भाई आजकल तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो आजकल हम ताला सिस्टम यूज करने लग गए हैं, ताला चाबी वाला, आजकल तो लॉक भी नहीं लगाना पड़ता घरों में, तो ट्रेड वेड जब ये लोग करते थे तो जो बोरियां और जो उनके पास सामान हुआ करता था उसके ऊपर ये लोग ठप्पा लगाते थे, मार्क करते थे, ठीक है, स्टैंप मारते थे, तो इस स्टैंप्स के ऊपर इनकी जो इमेजेस बनी रहती थी, इनके इजिप्ट जो एविडेंसेस इजिप्ट और मेसोपोटामिया में मिली है हमें, तो गीली मिट्टी के ऊपर स्टैंप मारते थे। सीधी सी बात है, कोई चिकनी मिट्टी, अगर आप छोटे घर आप खेलते रहे होंगे चिकनी मिट्टी से, या एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी है,
मिट्टी के ऊपर भी अगर आप अपना पैर रखते हैं तो आपके जूतों के निशान, या अगर हाथ पंच करते हैं तो हाथ का निशान छप जाता है, बिल्कुल वैसे ये लोग उसको जो है मार्क करते थे, पंच करते थे, ठप्पा लगाते थे। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ अ बेबीलोन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट कल्चर। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? इजिप्टियन से है, मेसोपोटामिया से है, चाइना से है, हड़प्पा से है। तो हम अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो मेसोपोटामिया क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन है। हैंगिंग गार्डन्स बेबीलोन में सबसे पहला फेबल्ड गार्डन्स के नाम से जाने जाते हैं। न्यू बेबीलोन एम्पायर यानी कि बेबीलोन से पहले बनने का जो एम्पायर है, ग्रेटेस्ट किंग थे न्यू बाचेनजेर टू, वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। अभी भी आपको ध्यान होगा कि पिरामिड्स वगैरह जो मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में दिखाते हैं ना, उनकी बात की जा रही है, तो अभी भी वो चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। ये आप मैप देखेंगे ना स्क्रीन के ऊपर, ये है आपका सुमेर, उरुक, उर और इडुस के तीन स्टेट्स हैं। बेबुलोनिया, ये बेबीलोन है इसका, टिग्रिस रिवर के पास बसा हुआ है जी। स्टार मार्क कर लीजिए, सवाल पूछ लेता है, ठीक है। असूरिया, असीरिया के नाम से इसको बाद में जाना गया, और एंशियंट मेसोपोटामिया का ये मैप आपके पास है। ये अरेबियन सी यहाँ पर था, ठीक है। आगे जब थोड़ा सा आप जाएंगे पूरे मैप को देखेंगे ना, वर्ल्ड मैप को, तो ये हिंदुस्तान से जुड़ता था और यहीं से हमारा ट्रेड भी चलता था। बेबीलोनिया तो कम, इजिप्ट मेसोपोटामिया से। सवाल नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर इंडस। तो कौन सा नहीं है जी? चाउंदड़ो नहीं है, मोहनजोदारो नहीं है, रोपड़ नहीं है, कोडीजी नहीं है। कमेंट करके बताइए कोडीजी कहाँ पर है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, रोपड़, सतलज के पास, बात की थी ना अभी अभी हमने, ठीक है। मोहनजोदारो कहाँ था? सिंधु पे, इंडस पे, ठीक है। एक बार पुराना मैप मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये दिख रहा है रोपड़ सबको यहाँ पर, ठीक है। कहाँ से पास ऑन हो रहा है? सतलज से। ओके, तो क्या हो जाएगा? रोपड़ इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर सतलज। ये आप देख भी पा रहे होंगे, थोड़ा सा और क्लैरिटी, थोड़ा हॉच पॉच है मैप, इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। काम पर चीजें याद रखिए, ये जो हिस्ट्री मेन के पीजीटी वीजीटी के बच्चे हैं ना, उनके लिए काफी कम इम्पोर्टेंट है। तो रावी देख पा रहे होंगे, ये वाला सेक्शन में मार्क करूंगे सिर्फ, जेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये रहा रोपड़। सतलज रिवर है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, ये राज है आपका कोडीजी, सिंध ये रहा मोहनजोदाड़ो, इंडस रिवर के ऊपर है, गनरेली वाल राजस्थान में है। तो ये सारी चीजें हैं, पॉज करके या फिर जब पीडीएफ मिलेगी तो उसको भी देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे आपसे। हाउ मेनी वेदांगास आर देयर इन द टोटल, कितने वेदांग है हमारे पास, ठीक है, ये बताना है आपको। वेदों से बना है वेदांग, वेदों का अंग, ठीक है। अगर आप इसको संधि विच्छेद करेंगे तो 10 है, 6 है, 5 है, 2 है, तो कितने हैं हमारे पास? पहले वेदांग है क्या ये देख लेते हैं, और उस पर चलने से पहले जवाब, तो 6 वेदांग है हमारे पास। वेदांग आर 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिनरी एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास। 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, भाई इनको समझोगे भी तो सही ना, तो कैसे समझोगे? वेदांगों के माध्यम से, है ना। तो 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, शिक्षा जहां पर आप क्या नॉलेज के बात करते हैं, फोनेटिक्स, कल्प, रिचुअल, कैनन, ठीक है, व्याकरण, ग्रामर, ग्रामेटिकल भी, तो ग्रामर, भाषा, ग्रामर के बिना भाषा कैसे सीखोगे, निरुक्ता, ठीक है, निरुक्ता, हर प्रत्येक चीज का उक्त क्या है, एक्सप्लेनेशन, छंद, वैदिक मीटर, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो ये आपको पता होना, 6 हैं यहाँ पर, शिक्षा 1, कल्प 2, ग्रामर 3, निरुक्ता 4, छंद 5, एस्ट्रोलॉजी 6, ठीक है। अब ये है क्या, इसको जान लेते हैं। शब्द वेदांग से शुरू करेंगे, वेदांग कल्प, शब्द वेदांग से बने हैं, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, ठीक है, ज्योतिष, निरुक्ता और छंद, इन सबको मिलाकर के ही आप वेदों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अगर इन 6 चीजों के अगर बारे में आपको नॉलेज है तो। ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर रावी, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है, ठीक है, अस्कनी है, शुतुद्री है, परुषणी है,
या विस्तता है। इनके नाम याद रखिएगा, आपसे कई बार इनके, ये तो संस्कृत नाम है जो हम जेलम चिनाब रावी व्यास का बात कर रहे थे, उन्हीं के संस्कृत नाम है। तो कई बार आपसे ये पूछ लेगा कि भाई इसमें से रियल वाला नाम क्या है, जैसे रावी से पूछ लिया है तो परुषनी को बोला जाता है रावी। ठीक है, ये रही। ठीक है, वितस्ता मतलब झेलम, ये रही झेलम यहाँ पर। फिर कहा अस्कनी चिनाब, शतुद्री सतलज, ये रहा परुषनी रावी जो हमने बात की है। ये आप देख पा रहे होंगे इंडस वाटर ट्रीटी, IWT की अगर बात करते हैं तो इन बाद में इनको जोड़ा भी गया था, इंडस वाटर कमीशन भी लाया गया, सक्सेस स्टोरी भी रही काफी हद तक। सतलज व्यास रावी ईस्टर्न रिवर में काउंट हुई, और वेस्टर्न रिवर में चिनाब झेलम इंडस। देख लेते हैं वेस्टर्न में कौन कौन सी आ रही हैं, ये है चिनाब, ठीक है, फिर हमने कहा ये रही झेलम और दूसरी है इंडस। ठीक है, ये कहाँ चली गई, पाकिस्तान, और ये हिंदुस्तान में सतलज व्यास रावी। ठीक है, चाइना में ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, असम है, बांग्लादेश। गंगा तो खैर हिमालय से निकलती है, वो अलग बात है, तो आप पढ़ पाएंगे पूरा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो नदियों को भी बांट दिया गया आपस में। तो हमारा अब ये पोर्शन खत्म हो गया ना, अब हम यहाँ से J&K से होते हुए यहाँ से ही निकल जाते हैं, ये वाला पार्ट नहीं आता हमारे बीच में। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेच्योर फेज हरप्पन साइट सिटुएटेड इन द साइट ऑफ राजस्थान। हड़प्पा को 4 भागों में बांटा गया है, प्री अर्ली मेच्योर डिक्लाइन, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि परिपक्व मेच्योर की मांडा, मांडा कहाँ है कमेंट करके बताइए, कालीबंगा मैंने पूछा है शुरू में, चाउंदड़ो और नागेश्वर, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। मेच्योर हरप्पन फेज की बात की है तो जाहिर सी बात है कि कालीबंगा, जहाँ पर यज्ञ की वेदियाँ, हल के निशान, खेती के निशान, ये सारी चीज़ें मिली हैं। और ये कह रहे हैं कि पक्की ईंटों के बने हुए मकान हैं, सबसे अच्छी बात ये है। मेच्योर हरप्पन फेज में जितने भी मकान आपको मिलेंगे वो पक्की ईंटों के बने हैं। नॉर्थ वेस्ट में है जी ये, राजस्थान स्टेट में, कंटेन बोथ प्री हरप्पन और हरप्पन। प्री हरप्पन के बारे में भी नॉलेज मिलती है और हरप्पन के बारे में, क्योंकि मैंने क्या कहा हल के एग्रीकल्चर के निशान मिले, तो प्री हरप्पन का हो गया। कालीबंगा का देखिए, इसका जो व्यवस्था थी, नालियों की जो व्यवस्था थी ना, जल निकास प्रणाली, वो बड़ी शानदार थी। ये कुआं नजर आ रहा होगा, ये तो ढकी हुई नालियां यहाँ पर मिलने के एविडेंस मिले हैं, पक्की ईंटों से बने हुए मकान भी यहाँ पर मिले हैं। ऋग्वेद इज डिवाइडेड इन टू बुक्स और मंडलास, ऋग्वेद डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है, किसमें, 34, 10 में, 8 में या 12 में। तो ऋग्वेद जो यहाँ पर आपका ग्रंथ है, जो सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, 10 भागों में हमने उसको बांटा है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। 10 भागों में बांटने के बाद ये कहते हैं कि सबसे जो ओल्डेस्ट सीक्रेट बुक मानी जाती है, जिसमें 1028 मंत्र हैं, पोइम्स हैं, ठीक है, संस्कृत भाषा में इसको जो है लिखा गया है, ठीक है। या फिर देख पाएंगे ईगो 9th में, अर्थ 2 में, वाटर 3 में, फायर 4 में, एयर 5 में, 6 में जो है स्पेस है, 7 में माइंड है, और 8 में हमारा इंटेलेक्चुअलिटी। ये जो इम्पोर्टेंट है इनको देख लीजिएगा, सारा नहीं पढ़ना है आपको, तो कुल मिलाकर के इसमें से 10 मंडलों के बारे में लिखा है। जो आपसे पूछ लेगा अग्नि के बारे में पूछता है बहुत बार, गायत्री मंत्र जो है मंडल नंबर 3 से लिया गया है, 62 टाइम्स लिखा गया गायत्री मंत्र के बारे में, ठीक है। और मंडल 6 को याद रखिएगा, जहाँ पर युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, सोम इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, 9th में मेंशन्ड है, ये इतना ध्यान में रखिएगा, काफ़ी है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सूत पीटिका, तो कहाँ से है, धम्म संगनी, मध्यम निकाय, दीप वंश, मनुस्मृति, कह रहे हैं किससे जुड़ा हुआ, किसका ये हिस्सा है, तो बी का पाठ है, मध्यम निकाय का, ठीक है, मध्यम निकाय बी सही है। ये कह रहे हैं कि मध्यम निकाय जो है यहाँ पर पाठ किसका है, सूत पीटिका का पाठ है, डिवाइड अंडर फॉलोइंग सेक्शंस, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, 1, दीर्घ निकाय 2, खुद्दर निकाय 3, मध्यम निकाय 4, संयुक्त निकाय 5। कई बार इससे पूछते हैं कि क्या क्या मेंशन, अंगुत्तर निकाय में अंगों के बारे में मेंशन, न्यूमेरिकल्स, दिग में कॉम्प्रोमाइज का है, लॉन्ग डिस्कोर्सेस को लेकर के, खुद्दक निकाय में मेंशन है माइनर कलेक्शंस,
मध्यम निकाय में यहाँ पर मिडल लेंथ के बारे में बताया है, संयुक्त में यहाँ पर कनेक्टेड किया है डिस्कोर्स ऑफ बुद्धिज्म को लेकर के। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्टार मार्क कर रहे हैं। सूदपीठिका, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। विनय में जो है यहाँ पर बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स के बारे में मेंशन किया। ये लिखा है ना, गवर्निंग द रूल्स ऑफ द संघ एंड द मॉन्क्स, कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन्स एंड टीचिंग। और तीसरे में डील्स विद बुद्धिज्म, जिसमें आपका धम्म संगिनी है, ठीक है, विभंगा है, धातु कथा है, ठीक है। ये कई बार इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, पीजीटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन विच स्टेट इज द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ सुतकांगे डोर सिटुएटेड? राजस्थान में, कर्नाटक में, हरियाणा में या गुजरात में? मैंने मैप दिखाया था आपको अभी, ये है आपका सुतकांगे डोर, ये रहा। कहाँ पर है ये? वेस्ट में, इसके नीचे है लोथल, ये रहा धोलावीरा जो गुजरात में है, रण ऑफ कच्छ है, यहीं पर अरेबियन सी भी है आपका। तो सुतकांगे डोर और सुतकोडदा में कन्फ्यूज मत होइएगा, सुतकांगे डोर यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट में है और यहाँ पर आपका सुतकोडदा गुजरात में आ जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे। डी विल बी द राइट ऑप्शन, ये रहा। सुतकोडदा इज एन आर्कोलॉजिकल लोकेटेड इन रोपड़ तालुका और गुजरात में है। 1972 में मिला था ये, जेपी जोशी जी ने इसको ढूंढा था, उसकी खुदाई की थी। 34वां कह रहा है, 34th क्वेश्चन, एविडेंस बताना पिट ड्वेलिंग्स का, ठीक है, गर्तावास का। तो कहाँ मिलेगा ये? बुर्ज होम में, ये रहा। मेहरगढ़ में सबसे फर्स्ट एविडेंस मिला एग्रीकल्चर का, बुर्ज होम कश्मीर के में है, मेहरगढ़ यहाँ वेस्टर्न में है। राणा गुंडी कहाँ पे है और पलावल कहाँ है, जरा बताइए कॉमेंट करके, ठीक है। सी ओ डी मैंने पूछा है आपसे, बुर्ज होम। ये देखिए, इसको बोलते हैं पिट ड्वेलिंग, जमीन के अंदर ना गड्ढे बना करके रहते थे ताकि बचे रहे जानवरों से, जंगली जानवरों से, ठंड से, क्योंकि कश्मीर में ठंड बहुत पड़ रही थी उस, अभी भी पड़ती है, उस वक्त तो फिर बहुत ज्यादा पड़ती रही होगी ना, महीनों सालों तक बर्फ ही नहीं हटती होगी, तो उससे खुद को बचना भी था, खुद को गर्म भी रखना था। तो क्या था, धरती के नीचे रहते थे गुफा बना करके। एविडेंस पिट ड्वेलिंग का मिला है प्रिमिटिव, जो हमारे पूर्वज थे, और पिट एक्सकवेटेड इन द अर्थ एंड द रूफ ओवर, है ना, ये उसके ऊपर छत सी बनी रहती थी हमेशा। बुर्ज होम द न्यूलिथिक साइट, नवपाषाण काल के साइट है, क्वेश्चन तो यहीं पर क्लियर हो गया। कहाँ है भाई? जे एंड के में मैंने बता दिया, मिजोरम में नहीं है, गोवा में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है। पलवल के बारे में बात की, कमेंट करके बताइए कहाँ पर है, ठीक है। तो जे एंड के कश्मीर में, एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि भाई न्यूलिथिक में है, यूनेस्को में उसको काउंट कर लिया गया, 1800 मीटर में बना हुआ है, बुर्ज होम में है, न्यूलिथिक साइट में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये रहा बुर्ज होम। ये मेहरगढ़ है आपका, सबसे पहले एग्रीकल्चर एविडेंस मिला है, चिरांद बिहार में हड्डियां मिली हैं यहाँ से, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं जी क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, आज का सवाल आपके सामने है, कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज साइट ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन मोहनजोदाड़ो लोकेटेड? पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदाड़ो का प्राचीन सभ्यता का स्थल है? बलूचिस्तान में है, सिंध में है, खैबर पख्तून में, या पंजाब में है? ठीक है, आगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। हमने किसके बारे में बात की है? मोहनजोदाड़ो के बारे में। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये रहा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा, यहाँ पर भी क्लियर हो रहा होगा वैसे आप, ठीक है, ये रहा मोहनजोदाड़ो, ये रहा हड़प्पा, ठीक है जी। तो ये आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर पूछा है मोहनजोदाड़ो कहाँ पर लोकेटेड है। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और ये है यूट्यूब का चैनल जहाँ से आप बाकी तैयारी कर पाएंगे। वैसे तो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी सवाल पूछे उसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन हाई रहता है। और छोड़ करके जाऊंगी मैं एक बेहतर पिक्चर के साथ आपको, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भाई। ये है हमारा पहला सवाल जो स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये दोनों मैंने इमेजेस आपसे पूछे कि कहाँ की हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। एनी सजेशन, एनी कमेंट, ऑलवेज वेलकम एवरीवन। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ, तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर योर काइंड अटेंशन।